नमस्कार दोस्तों, फिर एक नया वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा वर्टिकल होल्डर में कैसे टूल सेटिंग करता है। इस वीडियो के लिए मेरे पास काफ़ी सारे भर भर के कमेंट और मैसेज आए हैं कि वर्टिकल होल्डर में टूल्स कैसे सेटिंग करते हैं, एक वीडियो बना के दिखाओ। आज लेकर आया हूँ वर्टिकल होल्डर में टूल्स कैसे सेटिंग करते हैं। अगर आप नया कारीगर हो और काम सीखने वाले हो, अगर एक कारीगर हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। वीडियो को पूरा देखो, आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, पूरा प्रोसेस बताऊंगा इस वीडियो में। देखो, अच्छा से टूल सेटिंग करने के लिए चाहिए आपके पास एक अच्छा होल्डर जिसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, जो कि आज मैं आपको नया होल्डर में टूल सेटिंग करके दिखाऊंगा और नया टूल्स में भी सेटिंग करके दिखाऊंगा। कौन सा टूल्स मैं यूज़ करने वाला हूँ वो भी दिखाऊंगा। वाला होल्डर मुझे क्यों पसंद है, ये थोड़ा लोहे का है, वेट ज़्यादा है, इसका कटिंग भी अच्छा करता है, जल्दी ख़राब भी नहीं होता है, इसलिए मैं ये वाला होल्डर ज़्यादा यूज़ कर। अगर आपको एसपी मशीन का राउंड वाला जो गोल वाला होल्डर के ऊपर टूल सेटिंग का वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ, उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा। नीचे जाके कमेंट करके बताओ एसपी मशीन का गोल वाला होल्डर का वीडियो चाहिए। बताऊँ इसके सिवा तीन चार होल्डर मेरे पास है, देख सकते हो, अलग अलग काम में अलग अलग टूल्स का मैं यूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं तीन चार होल्डर रखता हूँ। और आज का जो होल्डर मैं काम टूल सेटिंग करके दिखाऊंगा वो नया होल्डर है बिल्कुल। अगर आपको नया होल्डर चाहिए तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम में जाके मैसेज करो, वहाँ पे आपको मेरा नंबर दे दूँगा, वैसे आप टूल्स होल्डर ले सकते हो। बड़ा मशीन रिकॉर्डिंग कोई भी मशीन का बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सीएनसी मशीन के बारे में, नया मशीन अगर आपको लेना है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। और एनुअल मशीन में सबसे बेस्ट मशीन कौन सा है ये भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ जल्दी। चलिए आपको होल्डर के बारे में और टूल सेटिंग के बारे में आपको थोड़ा समझाते हैं, टूल्स कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन सा होल्डर यूज़ करना चाहिए, क्या क्या। देखो भाई, अलग अलग कंपनी का अलग अलग होल्डर बनता है, अलग अलग कंपनी का काफ़ी सारे होल्डर आपने देखे होंगे, मैंने भी देखा हूँ इसीलिए बता रहा हूँ। कंपनी का ब्रांडेड कंपनी का भी होल्डर है और लोकल कंपनी का होल्डर है, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कौन सा होल्डर हम यूज़ करें। होल्डर का तो अच्छा मिल जाएगा लेकिन टूल्स का क्या करें। देखो भाई, जैसे ही अलग अलग होल्डर का अलग अलग सेटिंग होता है वैसे ही अलग अलग टूल्स का अलग अलग सेटिंग है। जैसे देख सकते हो मेरे पास चार पांच टूल्स है, चार पांच, ये पांचों टूल्स का ही सेव अलग अलग है लेकिन पांचों टूल्स का सेटिंग भी अलग अलग है। इसमें से सबसे बेस्ट टूल्स कौन सा है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ वो आपको लास्ट में जाके बताऊँगा। इसमें से एक टूल्स नया है, उसी नया टूल से मैं सेटिंग करूँगा। तो पांचों टूल्स का जो बॉडी का शेप है वो डिफरेंस है, अलग अलग है सभी। और हम क्या देखते हैं कि जो टूल्स सस्ता है अच्छा है वही ले लेते हैं, लेकिन बॉडी के शेप के ऊपर भी टूल्स का सेटिंग का डिपेंड करता है। इसलिए आपको सारे सब कुछ बताऊँगा जो टूल्स को मैं यूज़ करता हूँ, जो शेप जो है बॉडी का वो आपको बताऊंगा। और अभी जो टूल्स करूँगे इसी टूल से मैं सेटिंग करूँगा। चलो आपको बताते हैं होल्डर में टूल्स को कैसे बांधते हैं। सबसे पहले, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले आगे और बेहतरीन वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए आपको अपना वीडियो जल्दी पाने के लिए। चलिए, टूल्स को पहले बांधने के लिए आपको होल्डर को मशीन के साथ अच्छी तरह से टाइट कर लेना पड़ेगा। देख सकते हो मेरे पास जो नया टूल्स है बिल्कुल वर्टिकल होल्डर 2 mm का। टूल्स को आप बांधने के लिए सबसे पहले देखोगे होल्डर में एक बड़ा वाला स्क्रू है, स्क्रू को निकालोगे तो होल्डर के अंदर देखोगे बीच में एक हाफ राउंड का जगह है जिसमें टूल्स को बांधा जाता है। आप टूल्स को कैसे बांधोगे, टूल्स का राइट साइड में देखोगे एक छोटा वाला स्क्रू है, उसको राइट साइड में रखना है, अपना राइट साइड में रखने के बाद आपको होल्डर में डालना है, फिर आपको बड़ा वाला स्क्रू से उसको टाइट करना है, पूरा टाइट नहीं करना है, थोड़ा ही टाइट रखना है। फिर दोनों साइड से आपको छोटा वाला जो एलेंकी है, छोटा वाला जो स्क्रू है होल्डर में नीचे का, दोनों साइड उसको टाइट कर लेना है। पांच छोटा वाला स्क्रू है उसको एलेंगी से टाइट कर लेना, फुल टाइट नहीं करना है,
थोड़ा लूज रखना है। फिर से और एक बार बता देता हूँ, टूल्स को जिधर बांध रहे हो अब होल्डर में दोनों साइड में बराबर गैप होना चाहिए। उसके बाद आपको दोनों साइड से टूल्स को टाइट करना है। फिर बीच में का जो एलेंकी बड़ा वाला एलेंकी से आपको टूल्स को टाइट कर लेना है। फिर आपको मशीन को स्टार्ट करके देखना है होल्डर ओके है कि नहीं। फाइनली सब कुछ ओके है। आपको अभी देखना है बॉल के ऊपर हल्का सा काट लगाना है। फिर आपको अच्छी तरह से देखना है काटिंग कैसा कर रहा है। फिर आपको जो भी काम करना है टूल्स को आगे पीछे करके करना है। पहले आपको होल्डर को छोटा कर लेना है फुटबॉल मापिक, फिर आपको काट देख के पता चलेगा हार्ड कटिंग हो रहा है कि फ्री कटिंग हो रहा है। अगर आपका टूल्स ज़्यादा हार्ड कटिंग हो रहा है तो आपको फ्री करना है, अगर ज़्यादा फ्री हो रहा है तो आपको हार्ड के तरफ करना है। राइट साइड में फ्री होता है और लेफ्ट साइड में हार्ड होता है। ये वाला टूल्स मेरा बराबर सेटिंग हो चुका है। जैसे कि आपको पहले बताया अलग अलग टूल्स का अलग अलग सेटिंग होता है। देखो आपको सेटिंग होने के बाद ही आपको सब कुछ बराबर टाइट कर लेना है। ऊपर का जो पांच है उसको थोड़ा पहले जितना टाइट किया था उससे थोड़ा ज़्यादा कर लेना है जिसमें, और नीचे वाला एलेंकी से दोनों साइड और बीच में का सब टाइट कर लेना। आप मेरा सेटिंग का जब भी फुटबॉल कटिंग मार रहा हूँ तभी आपको आवाज़ सुन के ही पता चलेगा इसका कटिंग कैसा हो रहा है, फ्री कटिंग या हार्ड कटिंग। ज़्यादा फ्री भी नहीं रखना है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं रखना है। देख सकते हो भाई कितना अच्छी तरीके से कटिंग कर रहा है। अगर आपको पर्सनली काम सीखना है, मशीन का काम सीखना है, होल्डर सेटिंग सीखना है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। नया होल्डर अगर आपको चाहिए तो मिल जाएगा। अगर आपके पास पुराना होल्डर खराब पड़ा है, अगर आपको रिपेयर कराना है तो रिपेयर भी हो जाएगा, उसके लिए भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास ज़्यादा होल्डर पड़ा है तो मेरे साथ कांटेक्ट करो, आपको रिपेयर हो जाएगा। देखो भाई जैसे आपको टूल सेटिंग का वीडियो दिखाया आज, अगर आपको होल्डर सेटिंग का वीडियो चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि होल्डर भी कभी कभी सेटिंग ख़राब हो जाता है, उसका भी अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। देखो भाई टूल सेटिंग के बारे में मैं सिर्फ इस वीडियो में बेसिक चीज़ें बताया हूँ। अगर आपको डिटेल्स में सेटिंग का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताओ। जैसे कि बताया मैंने अलग अलग टूल्स का अलग अलग सेटिंग होता है, होल्डर भी थोड़ा अलग होता है, इसके लिए थोड़ा सेटिंग अलग होता है। और उम्मीद करता हूँ ये वाला वीडियो देख के आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिए। आपको किस टाइप का वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द बटन, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिए। और आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद।